हेलो व्यूअर्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ, आटे के लड्डू। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने दो तरीके के आटे का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो सिर्फ़ एक ही आटे को ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप के करीब गेहूं का आटा, और 2 कप के करीब यहाँ पर मैंने लिया है सिंघाड़े का आटा। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें, ना हो तो कोई बात नहीं, सिर्फ गेहूं के आटे से ही भी बना सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी के करीब छुहारा, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर काजू, जो कि कटे हुए हैं ये भी। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है थोड़े से बादाम, गरी, थोड़ी सी मूंगफली, गोंद, एक गुड़, थोड़े से ताल मखाने और 2 कप के करीब शक्कर। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, जो हमारे मेवे हैं उन्हें हमने घी में फ्राई कर लिया है। उसके बाद इन सभी को थोड़ा सा क्रश कर लिया है। इसके बाद मैंने जो आटा लिया था उसे अच्छे से भूंज लिया है और फिर इसमें डाल दिया है। शक्कर और गुड़ की मैंने चाशनी तैयार कर ली थी और इसमें ऐड कर दिया था। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके लड्डू बना लेंगे। तो देखिए, हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा और इसके मज़े लीजिएगा। और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।